नमस्ते दोस्तों, YouTube में न्यू टॉप 10 चैनल एक बार फिर से आपके लिए एक नया उपयोगी वीडियो लेकर के आया है। इसका नाम है हाउ टू कीप योर मोबाइल सेफ फ्रॉम वायरसेस, एड्स एंड फास्ट प्रोसेसिंग। हम अपने मोबाइल को किस प्रकार वायरस से मुक्त, एड से मुक्त और फास्ट रख सकते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए। और नीचे में सब्सक्राइब बटन है, उनको क्लिक करके ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर दोस्तों, मेरा नाम नीरज राय हुआ। आज मैं आप लोगों को वो 10 एप्लीकेशन के विषय में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपने मोबाइल को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है मैकाफी मोबाइल सिक्योरिटी। ये एंटीवायरस है जो कि आपके मोबाइल से जितने तरह के वायरस अगर मिलते हैं तो उनको वो ये एप्लीकेशन डिलीट कर देता है। दूसरा ऐप है एड गार्ड। हम लोग अपने मोबाइल को जब भी इंटरनेट वेब ब्राउज़र सर्फ करते हैं तो बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आ जाते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है उनको क्लोज करने में, और जो हम काम की बात करते होते हैं वो भूल जाते हैं। तो एड गार्ड ऐसे ऐप हैं जिनसे हम जितने भी एड्स, अनचाहे एड्स आते हैं उनको हम रोक सकते हैं। इनमें सेटिंग्स में जाकर के सो यूज़फुल एड्स में फ़िल्टर को सेलेक्ट करके हम जैसे भी फ़िल्टर लगाना चाहे लगा सकते हैं। हम अगर कुछ इम्पॉर्टेंट एड्स जो ख़ास है अगर देखना चाहे तो उनको रख भी सकते हैं, बाकी को हम हटा सकते हैं। जब भी आप फ़िल्टर में सेलेक्ट कर लेंगे और इनको अप्लाई कर देंगे तो आपके जब आप ब्राउज करते रहेंगे तो किसी प्रकार का ऐड नहीं आएगा। आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं और जो भी इनके जो रिसेंट वर्ज़न होंगे वो आ जाएंगे आपके मोबाइल पे, और एग्ज़िट करके आप एग्ज़िट हो जाइए। तीसरा ऐप जो हमारे मोबाइल को सेफ रख सकता है वो है फायरवॉल। दोस्तों, जब हम लोग डाटा इंटरनेट के लिए ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल में होते हैं वो सभी डाटा एक्सेस करने लगते हैं और हमको पता नहीं चलता कि इतना जल्दी इतना डाटा हमारा कैसे ख़त्म हो गया। अभी जस्ट हम इनको रिचार्ज कराए थे। तो फायरवॉल ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हम जिस एप्लीकेशन को डाटा एक्सेस अलाउ करेंगे वो एप्लीकेशन ही केवल डाटा एक्सेस कर पाएगा और बाकी जिनको हम अनचेक रखेंगे वो डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमारा इंटरनेट डाटा बचत भी होगा और हम यूज़फुल एप्लीकेशंस को डाटा ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे और हमारा डाटा यूसेज ज़्यादा दिन तक चलेगा। इसके लिए हम लोग जिस एप्लीकेशन में, आप देख सकते हैं कि हमको जिस एप्लीकेशन में डाटा रखना है, अलाउ करना है, उसमें हम चेक करते जा रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने क्रोम को अलाउ किया, फिर अभी नीचे जाएंगे व्हाट्सएप को ऑन करेंगे, और भी एप्लीकेशंस हैं जिनको कि हम जैसे वेदर है इनको भी सभी को ऑन करने के बाद हम बैक हो जाएंगे और वापस से सिक्योरिटी में आ जाएंगे। चौथा ऐप है स्पीड। हम अपने मोबाइल का स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, इनके जितने भी अनचाहे ऐप्स हैं उनको क्लोज करके और मेमोरी फ्री करके। ये सिक्योरिटी में हमें मिल जाएगा।
वहाँ पे एक्सेलरेट क्लिक करेंगे और एक्सेलरेट हो जाएगा। पांचवा ऐप है ब्लॉक। हम देखते होंगे कि हमारे मोबाइल पे अनचाहे एसएमएस आ जाते हैं, कॉल आ जाते हैं जो बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं और हम उनको पढ़ते भी नहीं हैं और हमारे मेमोरी भी बढ़ते जाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है ऐसा कॉल पिक करने से। तो हम अपने इन कॉल इन एसएमएस को ब्लैक लिस्ट में जा करके ब्लॉक कर सकते हैं। हम ब्लॉक ओपन करेंगे, ब्लैक लिस्ट को ओपन करेंगे, उनमें ऐड करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक लिस्ट हमारे तीन हो गए, ये सारे ब्लॉक एसएमएस है। छठा ऐप जो हमारे मोबाइल को सेफ रख सकता है वो है परमिशन। हम सिक्योरिटी को ओपन करके परमिशन कंट्रोल को ओपन करते हैं और यहाँ पे जिस जिस एप्लीकेशन को हम जिस जिस ऐप का एक्सेस देंगे वो ही सिर्फ वो परमिशन उनको मिलता है, बाकी ऐप का उनको परमिशन नहीं मिलता। जिनसे क्या होता है कि सभी ऐप को बहुत सारे एप्लीकेशंस के परमिशंस नहीं मिलते और हमारा मोबाइल फास्ट रहता है। सातवां ऐप है क्लीन अप। हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते और हम यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे क्लीन फाइल्स हैं वही, उनको क्लिक करेंगे। जितने भी टेम्पररी फाइल, कैश फाइल, एप्लीकेशन कैश फाइल जो अनचाहे हैं, जो हमारे मेमोरी को भर रहे हैं और हमारा डाटा, इम्पोर्टेंट डाटा हम सेव नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसे जंक फाइल, टेम्पररी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 144 MB फ्री किया और फिर हम फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर देंगे। दोस्तों, आठवां और इम्पोर्टेंट ऐप है क्लोज ऑल एप्लीकेशंस। हम जब भी मोबाइल ओपन करते, टर्न ऑन करते हैं या शट डाउन करते हैं, तो जो एप्लीकेशन हम ओपन किए होते हैं, हम तो डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में वो सभी एप्लीकेशंस ओपन रहते हैं। तो हम लेफ्ट बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा और वहाँ पे जा करके हम जिस जिस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे वो क्लोज हो जाएंगे। हम चाहे तो सभी को एक बार में ही क्लियर ऑल कर सकते हैं। नवा ऐप है कि जब भी हम अपने मोबाइल का सिम या बैटरी चेंज करें तो हम पावर ऑफ करके बंद करें मोबाइल को, फिर सिम और बैटरी चेंज करें, फिर अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लें। इससे हमारा मोबाइल फास्ट रहता है और किसी प्रकार का फाइल करप्ट नहीं होता है। क्राइब लिखा हुआ है हमारे चैनल के नीचे, उनको आप क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब्ड हो जाइए, और बगल में एक घंटी का आइकन है उनको भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपके नोटिफिकेशंस में तुरंत आ जाएंगे और आप उनको देख पाएंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों को भी इन चैनल के विषय में बताइए, उनको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।